चर्चा एक खास स्पॉन्सर्ड बाय नई टीवीएस रेडियो स्टार्टिंग एट 59,900। वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात करेंगे दिल्ली नगर निगम की 5 उपचुनाव की सीटों को जीतने के लिए सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंकी हुई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल भी रोड शो कर रहे हैं, इससे इन चुनाव की अहमियत समझ में आती है। ये चुनाव भले ही सीमित क्षेत्रों का हो लेकिन इसके अपने कुछ सियासी संदेश है। आखिर नगर निगम की 5 जो सीटें हैं इसका उपचुनाव क्या रुख बदल सकते हैं और इसका आगे क्या असर हो सकता है और इस चुनाव में क्या खास है और क्या यहाँ के मुद्दे हैं, इसी पर आज की चर्चा को खास बनाएंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। जब देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर ज्यादा सरगर्मी हो तब शायद 28 फरवरी को दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों के उपचुनाव ज्यादा ध्यान नहीं खींचते, लेकिन ऐसा नहीं है। इन उपचुनाव को अहमियत को लेकर कई तरह से आका जा रहा है। भले ही यह दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव हो लेकिन इसके नतीजे इस बात का संकेत देंगे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ग्राफ किस ओर जा रहा है। साथ ही इनके परिणामों से हवा के रुख का पता चलेगा कि भाजपा और कांग्रेस दिल्ली के मतदाताओं में कितनी पैठ बना पाई है। खासकर यह देखते हुए कि दिल्ली की जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है वह भी आपके पास रही है, तब इसी बात पर कसमकस होगी कि आप किस तरह से अपनी सीटों को सुरक्षित रख पाती है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और चौहान बांगड़ वार्ड पर उपचुनाव हो रहे हैं, जबकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम की रोहिणी सी और शालीमार बाग नॉर्थ वार्ड में उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें शालीमार नॉर्थ महिला के लिए और त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी का MCD की इन 5 सीटों पर कब्जा रहा है, इसलिए उसके सामने इन सीटों को बचाए रखने की कसौटी है। एक भी सीट का जाना उसकी प्रतिष्ठा पर असर देगा, खासकर यह देखते हुए कि इन 5 सीटों के पार्षदों के विधायक चुने जाने पर यह सीट खाली हुई थी। इस नाते आम आदमी पार्टी को इन सीटों को जीतकर यह जताना चाहेगी कि दिल्ली में आपका करिश्मा बरकरार है। वहीं भाजपा कांग्रेस इन सीटों पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। गुजरात के स्थानीय निकाय के चुनाव में आप 21 सीट जीत कर गदगद है। दिल्ली के लोग वही नजारा महसूस कर सकते हैं जैसे वे विधानसभा चुनाव के समय देखा करते हैं। मुद्दे भी स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय विषयों तक चले जाते हैं। हर दल की यही चाह है कि MCD के इन 5 सीटों को झटक कर अपना प्रभाव साबित कराना है, इसलिए इन सभी क्षेत्रों में एक एक वोट के लिए बड़े नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ता इलाकों में जा रहे हैं। MCD के ये चुनाव फिलहाल किसी बड़े उलटफेर के लिए नहीं है, लेकिन इसके सियासी संदेश दूर तक हैं। सियासी पार्टियां इसे अच्छी तरह समझ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुशील गुप्ता जी हैं, सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ अजय सहरावत जी हैं जो प्रवक्ता हैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ संजय गुप्ता जी हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ मुकेश कुमार वेद हैं जो अध्यक्ष हैं सुपरवाइजर यूनियन दिल्ली के। और हमारे साथ संजीव चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ हैं, बहुत सारी बातें और चुनाव छोटा है लेकिन अहमियत बहुत बड़ी है। संजय जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा कि बहुत दिनों से अगर आप देखें कांग्रेस जिस तरह से दिल्ली में अचानक सत्ता से बाहर हुई और उसके बाद लगातार प्रयास कर रही है किसी ना किसी तरीके से सत्ता को पाने के लिए, और जिस तरह से अब ये जो चुनाव है कितना अहम इसे आप मानते हैं और कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने है, क्योंकि सबसे पहले तो बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली के अंदर यही सब कुछ चलता था लेकिन अब वहां आपकी दस्तक हुई और आप बाहर हो गए, तो उसे लेकर भी हम जानना चाहेंगे कि आपने अब की बार क्या खास तैयारी की और कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो कांग्रेस लेकर चुनाव के अंदर जाएगी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछले चुनावों को हम देख लें, चाहे वो दिल्ली नगर निगम के रहे हों, चाहे सरकार दिल्ली की रही हो, चाहे केंद्र के लिए वोट पड़ाओ MPs के लिए, आप देखेंगे कि किस तरह से दोनों दल जो हमारे विपक्षी दल हैं मुख्य रूप से
मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी ने किस तरह से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य किया, झूठ का सहारा लिया। भाई सुशील गुप्ता जी बैठे हैं, मैं समझता हूँ बड़े प्रभावी सांसद हैं। मैं जानना चाहता हूँ सुशील जी, बताइए, आपने पिछले चुनावों से पहले वादा किया था दिल्ली के अंदर कि आप दिल्ली के अंदर मोहल्ला समिति देंगे, कहाँ है वो मोहल्ला समिति? आपने कहा था जन लोकपाल देंगे, कहाँ है वो जन लोकपाल? आपने वादा किया था कि अच्छा स्वास्थ्य देंगे, कहाँ है वो अच्छा स्वास्थ्य? कहाँ है अच्छा वातावरण? कहाँ है वो पॉल्यूशन लेस दिल्ली? आपने कहा था अच्छा पानी देंगे, कहाँ है वो पानी? आपने कहा था दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े एजुकेशन हब खोले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 6 साल में एक आपने कोई कॉलेज का निर्माण किया हो, आपने कोई बड़ा 500 बेड का अस्पताल दिल्ली के अंदर बनाया हो? मैं जानना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता जानना चाहती है आपसे। आपने बहुत वादे किए थे, वाईफाई की बात की थी, रोजगार की बात की थी। तो मैं कहना चाहता हूँ जहां भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछले 17 सालों से 16 सालों से दिल्ली के अंदर लगातार दिल्ली नगर निगम में काबिज हैं और आज हालात ये हैं कि पूरे विश्व का सबसे भ्रष्ट अगर नगर निगम कोई है तो दिल्ली नगर निगम है, ये सर्वे की रिपोर्ट है। और इस दिल्ली नगर निगम के अंदर बिना रिश्वत के, बिना भ्रष्टाचार के एक ईंट भी दिल्ली के अंदर नहीं लगती है, इसका जवाब देना पड़ेगा। सरवा साहब, आपसे भी मैं जानना चाहता हूं, आपने बहुत लंबे वादे किए थे, आप नूरा कुश्ती करते हैं, आप दिल्ली की सफाई जब कोरोना का हालात हो, जब नारा दिया हो मोदी जी ने के स्वच्छ भारत का, तो दिल्ली नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर काबिज आपके मेयर रिश्वत लेने के अलावा जरा बता दीजिए कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से कूड़ा सड़क के ऊपर पड़ा है। कभी आप केजरीवाल साहब पे जाते हैं? ये आरोप हम बहुत बार सुनते आ रहे हैं जो आप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार का, नहीं बिल्कुल जो आरोप हैं, ये जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसके बाद भी आखिर बीजेपी क्यों आ जाती है? जब आप आरोप बता रहे हैं, सिद्ध करते हैं, सब कुछ है, फिर ऐसे क्या कारण है कि लोगों को फिर वही पसंद आते हैं? तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो होगा, क्योंकि आप क्यों नहीं आ पाते? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि अभी तो ये कहते हैं कि 70 साल तक हमने राज किया और हम तो वो पार्टी हैं जिसने सत्ता केवल सिर्फ फायदा उठाने के लिए या कोई लाभ कमाने के लिए नहीं की, प्राप्त की थी, हमने सेवा के लिए किया। दिल्ली के अंदर तो आप दिल्ली में रहे, मैं वही बता रहा हूँ, तो हमने किए, तो हमने किए ना काम। आप दिल्ली को याद करते हैं लोग, आज शीला दीक्षित का वो दौर याद करते हैं, वो 100 फ्लाईओवर याद करते हैं, वो 20-25 जो बड़े अस्पताल 500 बेडेड वो याद करते हैं। आज दिल्ली की जनता याद करती है 300% जो ग्रीनरी दिल्ली के अंदर बढ़ाई गई, सीएनजी पे कन्वर्ट किया गया। केजरीवाल साहब ने कहा था कि 5,000 बसें लाएंगे। सुशील जी बताइए, कहाँ है वो 5,000 बसें सीएनजी की? नहीं, आप लाने वाले थे, सुनते ही रहे हम तो। तो हम ये बताना चाहते हैं, शीला दीक्षित ने जो काम बिना किसी शोर के कर दिया, आप ढोर नगाड़े पीटते रहते हैं, आप झूठ बोलते रहते हैं, आप जुमलों का सहारा लेते रहते हैं, मगर दिल्ली की जनता को मिला कुछ नहीं है। और यहीं से शुरुआत है, इसी शुरुआत से, हालांकि बहुत लंबा इसका समय नहीं है, 1 साल के लिए चुनाव हो रहा है, मगर यहां से शुरुआत है। इस शुरुआत से दिल्ली की जनता आपको सबक सिखाएगी और कांग्रेस को दोबारा दिल्ली में लाकर के जो शीला दीक्षित का विकास था, कांग्रेस का विकास था, तो यही है, वो वापस आएगा। 5 सीटें बड़ी अहम होने जा रही है। मुकेश वैद जी, आप तो अध्यक्ष हैं सुपरवाइजर यूनियन दिल्ली के, आपको क्या लगता है मुकेश जी कि अब की बार जिस तरीके से बहुत सारे आरोप निगमों पर लगते रहे हैं और लगातार लगते भी रहेंगे, क्योंकि निगम की स्थिति ऐसी रहती है, कहीं भी चले जाएं आप, किसी भी जगह चले जाएं पूरे भारत के अंदर, वहां निगमों की हालत के ऊपर हर जगह चर्चाएं रहेंगी। अब की बार जिस तरह से चुनाव हो रहा है उसे लेकर क्या कहेंगे आप, और क्या तनख्वाहें मिल गई आपको, क्योंकि एक वो भी बहुत बड़ा आंदोलन लगातार चला। जी मुकेश जी, मुझे लगता है मुकेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। संजीव जी, अब की बार दिल्ली में जो एमसीडी के चुनाव है, मेरी आवाज आ रही है संजीव जी आपको? जी, जो चुनाव चल रहा है उसे लेकर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप भी और बीजेपी भी, कांग्रेस भी, इन 5 सीटों के लिए, वो भी केवल एक साल के लिए और पूरी तरीके से मैदान में आरोप प्रत्यारोप जोर शोर से और मेहनत में कोई कमी नहीं दिख रही है। कोई ये कहे कल कि नहीं, ये तो हमने ढीला छोड़ दिया था या ऐसे ही वॉकओवर दे दिया, वो भी नहीं है, आपके सामने है। तो कितना अहम है चुनाव, कैसे आप देखते हैं? जी देखिए, बहुत बढ़िया बात कही आपने। तीनों मेजर पार्टियों ने इसमें पूरी जान झोंक रखी है। बेसिकली मैं देख रहा हूं कि ये ना वो सेमीफाइनल हो गया है।
सेमीफाइनल मैच में जैसे सारी टीमें ना, क्रिकेट की टीम है, कबड्डी की टीम है, पूरी जान लगा देती है, तो सारी पार्टियों के लिए ऐसे हो गया है। अब है क्या कि आम आदमी पार्टी को अपनी जमीन जिस पे वो खड़ी है वो बचानी है, और बीजेपी को वो जमीन चुरानी है कैसे भी करके, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो अपना किला बना लिया दिल्ली जीत के, ठीक है किला तो आपने बना लिया, लेकिन क्या है कि बीजेपी से वो 15 साल का जो वो उसे दबा रखा है उन्होंने नगर निगम को, उससे नहीं छीन पा रहे। तो आम आदमी पार्टी के साथ वही चुनौती है, बीजेपी को अपनी बचाने की चुनौती है, और कांग्रेस अपनी जमीन तलाश ही रही है साहब। तो मुकाबला जो है रोमांचक तो है, मुकाबला रोमांचक है, लेकिन आपको लगता है ऐसा कि अगर इस बार ये 5 सीटें जिसके पास भी आएंगी तो 1 साल बाद वही जो अब दोहराया गया है दोहराया जाएगा? क्योंकि अब तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे जो भी 5 जीतेगा बाद में वही मेयर बनाएगा। हाँ आप कह सकते हैं, पर ऐसा लगभग सारा संभव भी नहीं है। देखिए 5 सीटों को अगर कोई पार्टी जीत रही है, या सपोज करो 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है, तो कहीं ना कहीं जो भी सीट पार्टी जीतेगी वो एडवांटेज में जरूर रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है, है ना। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा शुरुआत में कि ये बिल्कुल एक सेमीफाइनल की तरह है, और जो टीमें जीतेगी, जो पार्टी जीतेगी, वो फाइनल की तैयारी बढ़े आत्मविश्वास के साथ अगले 22 की चुनाव तैयारी करेगी। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें। मुकेश वैद जी, आवाज आ रही है अभी मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है सर। जी मुकेश जी, क्या है अब की बार का चुनाव मुद्दे, क्या देख रहे हैं आप? और दूसरी बात, क्या जो भी तनख्वाहों का आपका इश्यू था वो सोल्व हो गया, उसका समाधान निकल गया? नहीं सर, समाधान कुछ नहीं निकला। सुपरवाइजरों की पूर्वी दिल्ली में 2-3 महीने का वेतन रुका हुआ है, तीसरा अब 2 दिन बाद हो जाएगा, और दिल्ली नगर निगम में 5 महीने का वेतन है, और 15 वर्षों के अंदर जो बीजेपी दिल्ली के अंदर निगमों में बैठी हुई है, अब लोगों ने उनसे उम्मीदें अपनी छोड़ दी हैं, और आम आदमी की सीटें थी, अब देखते हैं कि आम आदमी अपनी सीटों को लेकर जाता है या बीजेपी उनमें से लेती है। तो आने वाला जो चुनाव होगा उसमें फिर इन जो अब जीत कर आएगा सीटें उसका पता चलेगा, और हमारे कर्मचारियों के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उसमें त्रिलोकपुरी की सीटें हैं, और त्रिलोकपुरी की सीटों में हमारे कर्मचारी बहुत ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर, और मुझे जहां तक लगता है कि आम आदमी की तरफ वहां पर रुझान है लोगों का। रुझान तो हर किसी की तरफ रहता है। बहुत सारी चीजें हैं, तनख्वाहें नहीं मिली ये भी एक बड़ा सवाल है, आखिर क्यों नहीं मिली, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे साथ सुशील गुप्ता जी भी हैं। सुशील गुप्ता जी, बहुत सारे आरोप भी लगे, बहुत सारी चीजें भी सामने आई, तनख्वाहों का जिक्र भी रहा, शुरू से वहां हड़तालें भी चली, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हो भी रहा है, क्योंकि आप एक सांसद भी हैं, बहुत सारी चीजें आप देख भी रहे हैं। ऐसे में एक तो ये जो चुनाव है ये कितना अहम हो जाता है आपके लिए, ये भी हम आपसे जानेंगे, क्योंकि ये 5 सीटें ऐसी हो गई है कि पूरा हॉट केक हो रखा है, कौन खाए सबसे पहले, और वर्तमान में जो समस्याएं हैं उनका भी अंबार बहुत ज्यादा है। तो क्या आप मान के चलते हैं, और क्या आपको लगता है कि जो निगम है उनके हालात कैसे सुधरेंगे? देखिए मैं 2 बात बताऊं। पहली बात तो कांग्रेस के मित्र मेरे से बार बार पूछ रहे थे, मैं उनको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस दिल्ली में लुप्त हो चुकी है और धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान के अंदर लुप्त हो रही है। या तो कांग्रेस जीतती नहीं है, जीती तो जीती जीताई कांग्रेस बिक जाती है। सूरत में इनके हालात देखिए, गुजरात में 0 इनकी सीटें सूरत में आई है। ऐसी स्थिति के अंदर सिर्फ आरोप लगाने के सिवाय इनके पास बचा कुछ नहीं है, ना राष्ट्रीय लीडरशिप है, ना दिल्ली की लीडरशिप है। ऐसी स्थिति में लोग कांग्रेस के बारे में तो विचार नहीं कर रहे। जहां तक भाजपा के सवाल है, दिल्ली नगर निगम में भाजपा पिछले 15 साल से है, सिर्फ एक भी मकान गारंटी के साथ बिना लेंटर पैसे दिए हुए नहीं डलता। पूरा दिल्ली को इन्होंने कचरा घर बना दिया है। सफाई के नाम पे जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का नारा लगाया तो ये कूड़ा डाल के फोटो खिंचाते थे, कूड़ा उठा के नहीं, किसी साफ जगह पे, क्योंकि सारी दिल्ली में कूड़ा था, सारी जगह पे कूड़े से बचने के लिए साफ जगह पे कूड़ा डाल के फिर फोटो खिंचवाते थे। ऐसे इनके नेताओं की बहुत सी वीडियो वायरल हुई है। जहां तक इस चुनाव का सवाल है, बीजेपी के
भाजपा के शासन में जो एमसीडी में भ्रष्टाचार हुआ है, दिल्ली का एक एक वासी उससे त्रस्त है और उसको मालूम है। खुद पिछले चुनाव में अमित शाह जी ने कहा था कि हमारे सारे के सारे पार्षद भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए हम सारे पार्षदों को बदलेंगे। इन्होंने पार्षद बदले, मगर इस बार डबल होगी, पुराने वालों का ऐसा भी जाने लगा, नए वालों का ऐसा भी जाने लगा। ऐसी स्थिति के अंदर ये एक परिवर्तन, जो सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं, ये सेमीफाइनल ठीक कह रहे हैं। भाजपा के मेरे मित्र ने कहा कि सेमीफाइनल है, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि आपको बदलना है इसको, और बदले बिना गुजारा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार एजुकेशन में, हेल्थ में, बिजली में, पानी में आमूलचूल परिवर्तन किया है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है, लोगों को सुविधाएं दी हैं, उस सुविधाएं का लेवल एमसीडी के माध्यम से भी जनता चाहती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मैं अभी वेस्ट दिल्ली के अंदर रहता हूं, करोड़ों रुपए टेंडर करके इनको एडवर्टीजमेंट के मिलते हैं, परंतु पिछले 2 साल से इन्होंने टेंडर नहीं किया। एमसीडी में 2500 करोड़ का ये घोटाला किया, जिसको ये कहते तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, माफ करने के लिए पैसे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जब ना नाली साफ होती है, ना वहां पे गलियों में झाड़ू लगती है, ना पार्क मेंटेन होते हैं, जो एमसीडी का काम है उसमें से कोई काम इनके यहां पे नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति के अंदर मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल है इस स्थिति को संभाल पाना बीजेपी के लिए। इनकी 5 में से 1 भी सीट नहीं आने वाली है, और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से दिल्ली के लोगों की सेवा के अंदर लगी हुई है, ये स्पष्ट है। मैं कई इलाकों में जाके मैंने महसूस भी किया है कि हर आदमी चाहता है कि एमसीडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी आए, ताकि दिल्ली एक सुंदर स्वच्छ शहर बन सके और लोगों के मन की बात आगे आ सके। जी नहीं, बिल्कुल बनना तो चाहिए सब कुछ स्वच्छ ही, लेकिन खाली में बड़े दिनों से देख रहा हूं कि जिस तरीके से निगमों के ऊपर एक आरोप लगता रहता है भ्रष्टाचारी का, ये कोई एक जगह नहीं है, हर जगह है। उसमें जो सुधार होने चाहिए, उस सुधार को लेकर जो बातें होती हैं वो केवल बातें ही रह जाती हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार चलता रहता है, खाली बातों का खेल चलता रहता है। अजय सहरावत, आप तो प्रवक्ता हैं, बहुत सारी चीजें सामने आपके हैं, संजय जी ने भी बहुत सारे आरोप लगाए, सुशील गुप्ता जी ने भी बताया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं पहले तो कहना चाहता हूं कि अगर आप पूरे चुनाव की समीकरण को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आज की डेट में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में एक पैक्ट बन चुका है। जहां पर कांग्रेस जीतेगी वहां पर आम आदमी पार्टी जीरो, जहां पर आम आदमी पार्टी जीतेगी वहां कांग्रेस जीरो। पंजाब उठा के देख लीजिए, पंजाब में कांग्रेस जीती तो आम आदमी पार्टी जीरो। गुजरात देख लीजिए, गुजरात में 22 सीटें आम आदमी पार्टी ले आई तो कांग्रेस जीरो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती तो कांग्रेस जीरो। तो यहां पर क्या सिस्टम है कि जहां कांग्रेस फाइट कर रही है वहां आम आदमी पार्टी, और ये इनका एक आपस का पैक्ट ही हो गया। कायदे से देखा जाए तो ये आपसी विरोध है इनका। दूसरी बात, मैं दूसरी चीजों पर आ जाता हूँ। सुशील जी ने कहा कि करप्शन के बहुत सारे आरोप उन्होंने लगा दिए एमसीडी के ऊपर। मैं कह रहा हूँ, जो 2500 करोड़ की बात कर रहे हैं उस पर भी हमारी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमने पूरी बयानबाजी करके इनको बताया था कि कैसे आप लोग झूठ बोले। अगर एमसीडी ने 2500 करोड़ का घोटाला किया होता ना, तो अब तक तो केजरीवाल जी छाती पीट पीट के मटके तोड़ के वहां पर बैठ जाते धरना देने के लिए, ठीक है, और इनकी पूरी सभा बैठी हो। तो ये झूठ सिर्फ टीवी के लिए, मीडिया के लिए, अखबारों के लिए। रही बात एमसीडी कर्मचारियों के सैलरी का इशू, 13000 करोड़ की डिमांड आप कंटिन्यूस देख रहे हो। पिछले 6 से 8 महीने से दिल्ली भाजपा लगातार एक स्टेट से मांग कर रही है, स्टेट के मुख्यमंत्री से मांग कर रही है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है एमसीडी का, जो उसका हक है वो उसे मिलना चाहिए। सिर्फ इस मंशा से केजरीवाल जी वो 13000 करोड़ को नहीं दे रहे हैं कि कहीं लोगों को टाइम से सैलरी मिल जाए, कहीं गलियां साफ रहे, और ये एम्प्लॉयज के साथ ये ऐसी टसल क्रिएट हो जाए कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो जाए, और मैं काउंसिलर की जो 5 सीटें आ रही है ना, इस पे किसी तरह से हाथ अपना। आप सोचिए, उनके अंदर इतना डर है, इन 5 सीटों में से ऑलरेडी 4 सीटें आम आदमी पार्टी की है, लेकिन वो तब भी इतने भयभीत हैं। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के लोग एमएलए बन गए, इसलिए चुनाव हो रहा है। हमारी वजह से चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव भी आम आदमी पार्टी की वजह से हो रहा है, और वो इतने भयभीत हैं कि वो जान पूछ कर एमसीडी के कामों को हॉल्ट करके बैठे हैं, बजट को हॉल्ट करके बैठे हैं, ताकि किसी भी तरीके से एमसीडी को लोगों के सामने नीचा दिखाकर अपना जो मकसद है, इलेक्टोरल जो मकसद है, उसको पालें, उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एमसीडी ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है। 4 सीटें 5 में से जो इनके पास थी, ये 4 सीटें तो सर लंदन बन गई होंगी, यहां तो थेम्स नदी बह रही होगी, यहां तो सीवर लाइनें बिछ गई होंगी, यहां तो बिजली के पानी के कनेक्शन, पानी सब कुछ आ रहा होगा। आप इन चारों एरियाज को उठाकर देख लो, जिन सीटों में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, इतना बुरा हाल है। मैं शावर डेयरी में खुद होकर के आया हूं, नालियां, कूड़ा, गंदगी, यहां तो काउंसलर आप ही का था, यहां पर हालात ऐसे क्यों है? तो सिर्फ ब्लेम गेम करके और करना कुछ नहीं है।
तो मुझे लगता है एक तो लोकल लीडरशिप में क्राइसिस भी बहुत ज्यादा है। आप शाबा डेरी इसमें से एक सीट है जिसमें क्या है कि जो काउंसलर का चुनाव आज लड़ रहे हैं वो पहले वहां से आम आदमी पार्टी के एमएलए रह चुके, और जो पहले वहां पर काउंसलर था उसको इन्होंने एमएलए बना दिया। तो बस ये पद सकते रहते हैं, बाकी आम आदमी पार्टी को काम कुछ नहीं करना है। मीडिया मार्केटिंग के जरिए दुनिया को सिर्फ ये बताना है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सारी दिल्ली जानती है दिल्ली के रोड्स की हालत क्या है, दिल्ली की यमुना की हालत क्या है, दिल्ली के डीटीसी ट्रांसपोर्ट की हालत क्या है, और दिल्ली के अस्पतालों की हालत क्या है, कोरोना के टाइम पे कितनी दूर दूर के बाहर तक चले गए। ये सारी बातें तो सही हैं, आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह है। ये बताइए एक एक बात और, अजय जी एक बात और आपसे पूछने जा रहा हूँ, इसी में आप ही से एक बात और एक सवाल ले रहा हूँ कि क्योंकि ठीक है ये बात हुई कि वहां चार सीटें थी आपके पास थी, अब दोबारा चुनाव हो रहे हैं, एक सीट आपके पास थी वो अलग बात है। अब आपका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर आप लोगों के बीच में जाएंगे वोट मांगने के लिए कि जो आपकी सीटें हैं वो आपके खाते में आ जाए, क्योंकि एमसीडी पर कब्जा आपका है, तो बहुत सारी चीजें जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी आप ही को झेलने हैं, तो ऐसे में आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? देखिए एमसीडी में जो चुनाव होता है वो लोकल लीडरशिप को लेकर चुनाव, लोकल लीडरशिप भाजपा दिल्ली के पास बहुत बढ़िया कटार लेवल की है, इसलिए हम पिछले तीनों टर्म से एमसीडी में जीत रहे हैं। हमारा जाके सिर्फ मुद्दा उनके पास ये है कि अगर आप हमें चुनते हैं तो एमसीडी की जो फैसिलिटी बाकी एरियाज में है वो भी आपको मिलेंगी। आम आदमी पार्टी के बहलाने फुसलाने की बातों को अवॉइड करें और भाजपा को वहां पर वोट करें, दिस इज दी ओनली मेजर वी हैव। और रही बात सैलरीज की, मैं बार बार डिफाइन कर रहा हूँ, सैलरीज का जो बजट का जो इश्यू है वो आम आदमी पार्टी ने वॉलेंटरीली जान पूछ कर इंटेंशनली उन्होंने पॉलिटिक्स करते हुए उन्होंने उस बजट को रोका हुआ है। जैसे ये बजट सैंक्शन होता है सबकी सैलरीज भी आ जाएंगी, सारे काम भी हो जाएंगे और सारी चीजें भी आपको पूरी रूप से मिल जाएंगी। मुझे बजट क्यों रोका है इस पर आपको सुशील से जरूर पूछना चाहिए कि बजट रोकने का नहीं, बिल्कुल पूछेंगे, सुशील जी के पास भी आएंगे, क्योंकि ये मुद्दा लगातार इतने महीनों से चल रहा है, बहुत सारे लोग परेशान है। कोविड के समय में तो वैसे भी कर्मचारी परेशान रहा है, एक तो उसने डटकर कोविड में सबका मुकाबला किया और सब लोगों को सहायता दी, खुद की जान जोखिम में डाली और उसके बाद भी उसे तनख्वाह ना मिले, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है और कहीं ना कहीं इस पर बात भी होनी चाहिए, विचार भी होने चाहिए। अगर संजय जी आप बात करें, लगातार बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं, कांग्रेस के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं कि वो जाएगी, क्योंकि खाली ये कह देना कि भ्रष्टाचार रहा है, भ्रष्टाचार रहा है तब भी 15 साल है वो, भ्रष्टाचार रहा है तो 6 साल से आप है, 3 चुनाव बैक टू बैक जीते हैं वो, तो ऐसे में कांग्रेस के सामने तो और बड़ी चुनौती है, तो चुनौती में भ्रष्टाचार खाली मुद्दा बना लेना, मुझे नहीं लगता कि कोई आपको बहुत ज्यादा वहां पे एक्सेप्टेशन देगा, कहीं ना कहीं और भी मुद्दे आपको चुनने होंगे, वो कौन से मुद्दे हैं जिसमें आप जनता को विश्वास दिला पाएंगे कि अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो शायद शायद इस तरीके की बातें ना हो? जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस कोई जुमलों की पार्टी नहीं है, हमें समझना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले स्वास्थ्य, दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य के ऊपर जो काम करना चाहिए, जिस तरह के हालात मैंने बताया, कूड़े के अंबार, अभी सहरावा जी को सुन रहा था कि कितना सफेद झूठ बोल रहे थे, सहरावा साहब आपसे पहले भी सरकारें थी, आपसे पहले भी नगर निगम में लोग काम करते थे, कभी इतिहास में इस तरह का मंजर नहीं देखा गया दिल्ली के अंदर, और आपको शर्मानी चाहिए, आपको चाहिए तो ये था कि आप दिल्ली की जनता से माफी मांगते, माफी मांगना तो छोड़ दीजिए, आप एक दूसरे के ऊपर भाना डाल रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, उसके आगे बढ़ के चले जाए तो जो बात है भ्रष्टाचार की, आज दिल्ली के अंदर से पहले पूरी दिल्ली के अंदर निर्माण कर रहे हुए कोई खड़ा होकर के बता दे कि दिल्ली के जब सरकार थी, जब दिल्ली के लोग वहां काबिज थे, तो भ्रष्टाचार का ये हालात थे क्या जो हालात आज हुए हैं? और मैं अगली बात कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर मैं बात करना चाहता हूं व्यापारियों की तरफ से, आपने लगातार तलवार लटका रखी है दिल्ली के अंदर सीलिंग की, आप हर 6 महीने के अंदर एक जिन बोतल में से निकालते हैं सीलिंग की बात करते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने बहुत लंबे लंबे वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, जरा पढ़ लीजिए एक बार, कितना सेलिंग की तलवार को आपने हटाया। इससे आगे बढ़ के कहना चाहता हूं, आपने कहा था दिल्ली के उन लोगों को जो कि 22% से ज्यादा है अनाधिकृत कॉलोनियां, आपने पिछले चुनाव के अंदर पिछले इलेक्शन में कहा था कि उनको हम रेगुलराइज करेंगे, यही थे ना मोदी साहब की सरकार के अंदर, मगर आज तक दिल्ली के अंदर वो कॉलोनियां वैसी की वैसी लटकी हुई है, कोई विकास के कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आप उसको रेगुलराइज करने के, जब चुनाव आता आप एक शगुफा छोड़ते हैं कि हम इसको रेगुलराइज दोबारा करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो अब तक सो रहे थे क्या आप? हम ये कहना चाहते हैं दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन का मुद्दा है, दिल्ली के अंदर एक बच्चा जन्म लेता है तो क्या स्वच्छ पानी का, स्वच्छ वातावरण का, क्या पॉल्यूशन लेस दिल्ली का उसको अधिकार नहीं है? आप इस पर जवाब नहीं देते। सुशील भाई की मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूं, उन्होंने केवल एक सूरत के विषय में बताया
कि सूरत में 22 सीटें लिया है, बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने सर। मैं जानना चाहता हूं सुशील जी, आपके नेतृत्व के अंदर आप पार्टी ने हरियाणा में चुनाव लड़ा था, कितनी सीटें ला पाए हैं, कितनी ला पाए हैं यूपी के अंदर, कितनी ला पाए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, आपने पूरे देश के अंदर चुनाव लड़के देख लिया, कितना परसेंट, 1% वोट शेयर भी मिला है क्या आपको? और आप चैलेंज करना चाहते हैं उस पार्टी को जिस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया, और महात्मा गांधी के लोगों को आप चैलेंज करना चाहते हैं। मैं आपको यहां से चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह की बातें जो आप कर रहे हैं कि लुप्त करने वाली, आप अपना दो साल के बाद आप पार्टी का आश्रय देखेंगे, आप पार्टी को ढूंढने वाले लोग देश के अंदर नहीं मिलेंगे। जहां जहां आप अपना बात लिखेंगे, एक नगर निगम सूरत की आपने 22 सीटें जीती हैं केवल, और कांग्रेस ने गुजरात के अंदर 59 सीटें जीती हैं, ये आप नहीं देख रहे हैं। और किस तरह के हालात आपकी पार्टी जहां जहां लड़ी है एक सीट तक नहीं मिली आपको, और किस तरह की बड़ी बड़ी बातें पंजाब में आपने अपना हश्र देख लिया है, तो ये कोई आप हमें ना बताएं कि हमें कांग्रेस का रास्ता क्या है। हमारा रास्ता झूठ बोलने का नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने किसी बात का जवाब नहीं दिया, बताइए जन लोकपाल, बताइए मोहल्ला समिति, बताइए वाईफाई, बताइए रोजगार, कोई जवाब नहीं है आपके पास। इसका भी जवाब हम सुशील गुप्ता ही से ले लेते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। सुरक्षा समाज की समृद्धि का आधार है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर प्रदेशवासियों को सुरक्षित समाज प्रदान करने का कार्य किया है। थाने में आए, यहाँ पे हमारे मैम ने बहुत अच्छे से हेल्प की है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसी पुलिस फोर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति किए गए किसी भी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। महिलाओं की सहूलियत के लिए प्रदेश के सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए 144 नए थानों और 50 पुलिस चौकियों की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। 353 तहसील, 1535 थानों में ये व्यवस्थाएं पहले चरण में दी जा रही हैं, जिससे महिलाएं अपनी शिकायत को वहां पर रख सकें और उसकी समयबद्ध ढंग से उन समस्याओं का समाधान का रास्ता निकल सके। ऑनलाइन अपराधों की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश के हर जनपद में साइबर सेल की स्थापना हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में मजबूती आई है। प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिल रहा है और उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिली है। यजमान सातवां फेरा तो लो। सात नहीं, 15 ये तो होना ही था, क्योंकि नया TVS Sport ETFI टेक्नोलॉजी के साथ देता है 15% ज्यादा माइलेज। TVS Sport, माइलेज का बाप। देश दुनिया का हर नगर महानगर शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है, खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात कर रहे हैं दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर, जो सेमीफाइनल हो रहा है, 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसे लेकर सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आप सांसद सुशील गुप्ता जी भी हैं। अगर हम देखें सुशील गुप्ता जी, बहुत सारी चीजें तो कही हैं, संजय जी ने बहुत सारे आरोप फिर लगाए हैं, कुछ चीजों का जवाब मांगा है, जैसे मोहल्ला समिति हो गई या जन लोकपाल की बात हुई है, ऐसी बहुत सारी चीजें। और एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जिस तरीके से सुशील जी पहले पार्षद का चुनाव लड़े और उसके बाद पार्षद विधायक का लड़ लेता है और उसके बाद फिर दोबारा पार्षद का वहां चुनाव होता है, तो ये जो चुनावों का भार है ये किसके ऊपर पड़ता है? ये जनता के ऊपर पड़ता है। और जबकि होना ये चाहिए कि भाई जो एक पद पे है तो कम से कम दूसरा पद, आपकी पार्टी तो हमेशा इस तरीके की नीतियों पर चलती रही है कि चलो नए लोगों को मौका दें, नए अच्छे लोग आए, लेकिन अब उल्टा हो रहा है आपके यहां पे भी, तो ये जो भार है ये कौन दे रहा है, ये किस लिए दिया जा रहा है, ये भी तो गलत है, क्योंकि बार बार जनता को चुनाव में धकेलना ये कहां तक सही है? जी सुशील जी,
मैं इनका संजय जी की एक एक बात का पहले आपको जवाब दे दूं जी। पहले इन्होंने कहा कि कहाँ पे है वाईफाई, दिल्ली में जगह जगह वाईफाई लगे हुए, ये जाके देख ले, शायद ये दिल्ली में ना रहते हो, इनको जानकारी ना हो, तो इसके लिए मैं इनको बता रहा हूँ। जहां तक इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात करी, हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए यूएन के सेक्रेटरी जनरल आए थे, तारीफ करके गए थे बाद में। हमारे एजुकेशन की इन्होंने बात की, अमेरिका के राष्ट्रपति आज हिन्दुस्तान के अंदर आते तो उनकी धर्मपत्नी अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखना चाहती है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अब अमेरिका वाले दिल्ली से सीखना चाहते हैं। जहां तक हेल्थ व्यवस्था की बात की है, कोरोना के दौरान होम आइसोलेशन मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, जो सारी दुनिया ने बाद में फॉलोअप किया। सबसे पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली के अंदर बनाया गया, जो एक महीने बाद अमेरिका के अंदर बनाया गया। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों के जो हालात कांग्रेस के राज के अंदर हुई थी, आज वो हालात जो बीजेपी के कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल है उनके हालात वो हुई है। हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, दैट इज बेटर देन ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल। आप दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के कामों का किसी भी कीमत पे मुकाबला नहीं कर सकते। जहां तक मोहल्ला सभाओं की बात है, आज भी हमारे यहां मोहल्ला सभाएं होती हैं, मोहल्ला सभाएं करके हम डिसीजन लेते हैं, मोहल्ला सभाओं को हमने शक्ति दी है, मोहल्ला सभाओं के माध्यम से जो डिसीजन आते हैं वही दिल्ली की जनता के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर विधायक मोहल्ला सभा करता है। थोड़े दिन पहले भी हमने मोहल्ला सभाएं करी थी और उस मोहल्ला सभाओं में लोगों ने एमसीडी के भ्रष्टाचार की बात की थी। मैं एमसीडी के अंदर जितना भ्रष्टाचार है, आज पूरी दुनिया के अंदर शायद किसी और इंस्टीट्यूशन के अंदर इतना भ्रष्टाचार ना हो जितना दिल्ली एमसीडी के अंदर है। सरकार क्या कर रही है सुशील जी? जो सीधा दायित्व एमसीडी, देखिए सरकार के पास पुलिस तो है नहीं कि इनके भ्रष्टाचार को पकड़ के अंदर दे दे, पुलिस तो इन्हीं के पास है। सरकार तो ये देख रही है कि समय पे इनको ग्रांट जो मिलनी चाहिए वो ग्रांट देती है। सरकार की योजनाएं अगर ये मानते तो आज इसे ये हालात नहीं होती एमसीडी के, जो कूड़ा घर बन गया है, कर्मचारियों के सैलरी के पैसे खा जाते हैं, इतना एक भी मकान को बिना पैसे लिए लेंटर के डलने नहीं देते हैं, कहीं किसी भी मोहल्ले की गली को सफाई नहीं करते हैं, घोष कर्मचारी इनके यहाँ रहते हैं, कर्मचारियों के वेतन के नाम पे कहीं से लेते हैं, काम कहीं और करते हैं, घर में बैठ कर उनके बदले कोई और काम करता है। आज तो ऐसी स्थिति कॉर्पोरेशन की, ये भी कहा जा रहा है कि 13,000 करोड़ रुपए का बकाया है सरकार पर, सरकार नहीं दे रही, राजनीति कर रही है। देखिए देखिए झूठ बोलने के लिए जो मर्जी बोल ले, हमेशा सुप्रीम कोर्ट तक ये बातें गई हैं और हमेशा ये तय हुआ कि उल्टा एमसीडी को फालतू पैसे दिल्ली सरकार ने दे रखे हैं, जिनको ये खा जाते हैं, ना ये सैलरी देते ना दो दो साल तक ठेकेदारों को पैसे देते, ना ये कोई काम कराते ना सफाई कराते, सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूं कि मैं वेस्ट दिल्ली के अंदर रहता हूं, दो साल से इन्होंने एडवर्टीजमेंट का टेंडर क्यों नहीं छोड़ा? क्या अपने लोगों को फोकट के अंदर होल्डिंग लगाने के लिए, ये पब्लिसिटी कराने के लिए वो छोड़ रखा है? कॉरपोरेशन का नुकसान क्यों करते हैं? अगर इनका नेतृत्व तो उस बात को देखता है तो इस बात का जवाब दें, क्यों इन्होंने 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया, क्यों ये कर्मचारियों के सैलरी समय पे नहीं दे पा रहे जबकि कूड़े के ढेर के ऊपर बैठते हैं? आज कर्मचारी समझते हैं इस बात को कि दिल्ली सरकार से पैसा आ रहा है, परंतु इनकी जो लीडरशिप है वो पैसे को हजम कर जाती है और सरकारी स्कूलों की जगह पे इनके दफ्तर बनने लगे, डीडीए के साथ मिलके ऐसा भ्रष्टाचार करते हैं। हमने पहली बार देखा कि स्कूल बंद करके बीजेपी के ऑफिस बन रहे हैं। ऐसी स्थिति किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी देश के अंदर नहीं होती कि बच्चों की शिक्षा के स्थान को भी आप कब्जा लें और उसको और अपने 5-star नुमा अपने ऑफिस बनाए और बच्चों को पढ़ने के लिए आप एक भी स्कूल कॉरपोरेशन का देखें, बहुत बुरी व्यवस्था के अंदर कॉरपोरेशन के स्कूल है। इनके हॉस्पिटल इंदुराव हॉस्पिटल बंद करने की नौबत के अंदर आया है, डॉक्टर इनके हड़ताल के ऊपर जाते हैं, बिल्कुल कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, मेडिकल व्यवस्था नहीं है, बच्चों की एजुकेशन की जो प्राइमरी की जिम्मेदारी इनकी बनती है, दिल्ली सरकार कई बार कह चुकी है अगर आपसे हॉस्पिटल नहीं संभलते आप हमें दे दो, हम हॉस्पिटल की तनख्वाह भी देंगे, सारे काम करेंगे, आपसे स्कूल नहीं समझते आप हमें दे दो। और अगर आप बात करते हैं करप्शन की, अगर करप्शन इनका 5 दिन में ना सुधार दें, दिल्ली पुलिस हमें दो, मुकदमे दर्ज करने का हमें अधिकार दो, दिल्ली कॉरपोरेशन को बिल्कुल तार की तरह सीधा कर देंगे, परंतु नहीं, ये चाबी भी अपने पास रखते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार इनको करना है और भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त जो भाजपा है और कांग्रेस
कहीं ना कहीं क्योंकि पहले भ्रष्टाचार के अंदर इतनी लिप्त थी, इनके भ्रष्टाचार के मुकाबला करने के लिए आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी। पूरे देश की व्यवस्था इन्होंने खराब कर दी थी और यही कारण है कि इनका अपना भ्रष्टाचार से डरते हुए जब इनको फाइल दिखाई जाती है कि या तो बीजेपी में आ जाओ, दूध के धुले हुए हो जाओ, और नहीं तो पैसे लो और बोझ लो और तुम्हारा भ्रष्टाचार भी माफ। ऐसी स्थिति कांग्रेस के एमएलए के साथ, कांग्रेस के एमपी के साथ, मैं राज्यसभा के अंदर देखता हूँ, हर रोज कांग्रेस के एमपी दल बदलकर बीजेपी में जाने की तैयारी के अंदर रहते हैं। ऐसी स्थिति में सर जनलोकपाल पर आप जवाब दे दीजिए, आज ये जाएंगे नहीं ऐसे। आपने 100 दिन का समय मांगा था केजरीवाल साहब ने, इतना बड़ी नौटंकी रामलीला मैदान में की थी, जरा बता दीजिए कहां जनलोकपाल भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार को भेज दिया था, आज तक आपके केंद्र सरकार ने उसको कहीं लाए नहीं है। बात कर ये बता कारवा क्यों लुटा, या आप जनलोकपाल लाइए या इस्तीफा देके बाहर हो जाइए। हम ये कहना चाहते हैं, दिल्ली की जनता आपसे कहना चाहती है कि जो आपने भ्रष्टाचार के आपने आरोप लगाए थे, आप या तो उसके अंदर जनलोकपाल लाइए या बाहर आ जाइए। करके केंद्र के पास भेज रखा है। नहीं नहीं, ये तो बहाने हैं ना, आपकी लूना कुश्ती है। आप बताते हैं केंद्र पे डालते हैं, केंद्र आपके पास कहती है, अभी आप कहते हैं केंद्र हमारा हिस्सा नहीं दे रहा, ताकत रखनी पड़ेगी। और यही कारण है कि आपका ऐसा मुद्दा नहीं होता, चिल्लाते हैं सिर्फ, और इसलिए कांग्रेस लुप्त होती जा रही है। आपसे जवाब पूछना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान की जनता पूछना चाहती है, कहां जन लोग का आप बगैर बताए नहीं है। आपने नए अस्पताल बनाए, आप बता नहीं पाए, आप नहीं होता, आप बता नहीं पाए, कोई बात बताने की पोजीशन में नहीं होते। कितना पोल्यूशन आपने दिल्ली का खत्म कर दिया, जरा बता दीजिए। आपकी आपकी 1% किया था 6 साल में, शीला दीक्षित ने 300% किया था। संसद आप एक बता दीजिए, जवाब के अंदर मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, संसद आप सीएजी के बारे में जानना चाहता हूँ। अरे शीला दीक्षित को तुमने जीते और आपके सबसे ज्यादा एमएलए तुम क्या बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार के अंदर आज पकड़े हैं दिल्ली के अंदर, आपको रिकॉर्ड है ये भी एक। आप इनको पहले चुप कराओ, पहले इनको आप चुप कराओ कि मैं अपनी बात पूरी करूं। जब ये बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला था। बिल्कुल सुशील जी, सुशील जी एक बार जरा जवाब ले लेते हैं जी। सुशील जी जवाब दीजिए जी, बोलिए सुशील जी, बोलिए आप। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि जनलोकपाल बिल हम पहले ही पास करके भेज चुके हैं, केंद्र सरकार इसको नहीं लाना चाहती क्योंकि सबसे पहले रिलायंस के खिलाफ FIR हमने लिखाई थी। इनको पता था कि दिल्ली के अंदर जब जनलोकपाल बिल लागू होगा तो इनके सारे के सारे सरकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार के अंदर लुप्त हैं, इनके जो अधिकारी, इनके जो लीडर्स भ्रष्टाचार के अंदर लुप्त हैं, उसके दायरे के अंदर ये सब आएंगे और इनके खिलाफ FIR होगी। इसलिए जानबूझ के इन्होंने उस बिल को लटका के रखा और दिल्ली सरकार के पास करने के बावजूद भी केंद्र ने आज तक उसको क्लियर नहीं किया। मैं जहां तक बता रहा हूं, इन्होंने हॉस्पिटल की बात करी, आज दिल्ली का जो मोहल्ला क्लिनिक है जिसमें 200 किस्म की दवाई और 250 किस्म के टेस्ट मुफ्त हैं, गरीब और अमीर सबके लिए। दिल्ली के अंदर बिजली हिंदुस्तान में सबसे सस्ती है और 24 घंटे रहती है। दिल्ली के लोग जनरेटर रखना भूल चुके हैं और 200 यूनिट मुफ्त हर घर को दी जाती है ताकि गरीब व्यक्ति पढ़ाई के बिना ना वंचित रहे, खाना बनाने के लिए वंचित ना रहे। पहले शीला दीक्षित के टाइम पे रात में कारों में बैठ के घूमना पड़ता था कि बिजली चली गई, मच्छर खा रहे हैं। अब दिल्ली के लोगों को सड़क पे रात को नहीं घूमना पड़ता, आराम से घर के अंदर सोते हैं क्योंकि केजरीवाल जी बिजली देते हैं। इसी प्रकार पानी, पहले पानी के टैंकरों की लाइन लगती थी, आपके शासन में लड़ाई होती थी, सिर फूटते थे, बर्तन टूटते थे। आज दिल्ली के अंदर पानी के टैंकर नहीं आते, हर घर के अंदर नल दिया गया है। और इस मैनिफेस्टो में केजरीवाल जी ने वायदा किया है, जिस प्रकार 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, इसी प्रकार चौथी मंजिल तक बिना मोटर के पानी 24 घंटे देंगे, 24 घंटे नल के अंदर पानी आएगा, वो स्वच्छ पानी आएगा। ये स्थिति दिल्ली के अंदर हुई है। दिल्ली ने अपने मजदूरों के लिए 10 लाख लोगों को कोरोना में हर रोज पका हुआ भोजन खिलाया है, 1 करोड़ लोगों को 2 समय सूखा राशन दिया गया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने निश्चय किया था कि हमने कोरोना के अंदर नए नए इनोवेटिव तरीके निकाल के जिस प्रकार से लोगों की सेवा की है, वो पूरी दुनिया उस बात को महसूस करती है कि दिल्ली के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे। आपको मैं एक बात और बता दूं, पिछले 5 साल के अंदर व्यापारियों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने बिजनेस डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया। आपके यहाँ जो हर होली दिवाली पे लिफाफा इस फैक्ट्री राज के अंदर व्यापारियों को देना पड़ता था, फैक्ट्री वालों को देना पड़ता था, आज अरविंद केजरीवाल के राज में 1 रुपया रिश्वत की ना किसी दुकानदार को देना पड़ता,
सुशील जी, चलिए आपने बहुत सारी चीजें सुशील जी गिनवा दी है, बहुत सारी बातें आपने गिनवाई है। बड़ा अच्छा राज्य चल रहा है और कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी वाल लग नहीं रही है जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन जो मैंने एक सवाल किया था, मैं उसका जवाब भी आपसे चाहूंगा कि वो भी दे, क्योंकि वो भी एक ऐसा सवाल है, बहुत जरूरी है, कम से कम उस पर कुछ स्पष्टीकरण आना चाहिए जी। हाँ बताइए जी। मैंने कहा था कि जो पार्षद, पहले पार्षद का चुनाव लड़ाएं, फिर उन्हें विधायक का चुनाव लड़ाकर विधायक बनाएं, उसके बाद वो सीटें खाली हो, फिर दोबारा से चुनाव कराएं, तो ये जो भार है, ये भार आखिर जनता क्यों वहन करे? ये भार ऐसा होना चाहिए, क्योंकि गलतियां की हैं पार्टियों ने। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, यहां सभी की बात कर रहा हूं। उसका भार भी उन पार्टियों के ऊपर पड़ना चाहिए कि जो चुनाव के अंदर जो जनता का वो जो खर्चा होगा, वो जो उनके ऊपर पड़ेगा भार, वो उनके ऊपर पड़ना चाहिए। देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को तरक्की करने का अधिकार है। पहले जो पार्षद थे उन्होंने विधायक की टिकट मांगी, पार्टी ने सर्वे कराया, जितने के काबिल थे, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, उनको बना दिया। और जिस वार्ड में अब चुनाव हो रहा है, इस वार्ड के अंदर रामचंद्र जी की पकड़ इतनी तगड़ी है कि वहां पे उनका मिट्टी के तेल का डिपो रहा, वहां की जनता की सेवा करते रहे, और वहां की जनता की डिमांड पे उनको दोबारा टिकट दी गई है। उन्होंने कहा था कि रामचंद्र जी ने विधायक रहते हुए हमारी बहुत सेवा करी, रामचंद्र जी ने पहले पार्षद रहते हुए हमारी उनसे पहले जो हमारे अभी एमएलए हैं उन्होंने बहुत सेवा करी। और दोनों की बात आप तालमेल को देखिए, कितना गजब का तालमेल है कि दोनों की जनता ने डिमांड की और जनता के डिमांड पे मजबूरी के अंदर आम आदमी पार्टी को पुनः जनता ने एक बार डिमांड की कि उन्हें विधायक नहीं लड़ाना है, और तब किसी और ने डिमांड की कि विधायक कोई और लड़ेंगे। उसके बाद अब जनता ने कहा नहीं, विधायक लड़ा दो, अब पार्षद लड़ा दो। तो ये जो एक अलग तरीके का घालमेल सुशील जी दिख रहा है जी, बात को माना गया। मैं आपको बता रहा हूं, लोकतंत्र के अंदर जनता सबसे बड़ी होती है, जनता के डिमांड पे काम किया जाता है। जब रामचंद्र जी को विधायक की टिकट नहीं दी गई थी, परंतु जनता ने डिमांड की कि नहीं हमें रामचंद्र ही चाहिए, तो इसलिए रामचंद्र जी को दोबारा वहां से लड़ाना पड़ा जी। नहीं, बिल्कुल लड़ाना भी चाहिए, जनता की मांग तो और भी बहुत सारी है। काश अगर जनता की मांग सरकारें मान ले तो वास्तव में जो राम राज्य कहा गया कभी वो आ जाता। अजय सहरावत जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे आरोप आपके ऊपर भी लगे हैं, क्या है आपके पास स्पष्टीकरण, क्या जवाब देना चाहेंगे जी? जी जी, पहली बात तो ना, मैं इस चुनाव को एमसीडी चुनाव को सेमीफाइनल चुनाव मानता नहीं जी, क्योंकि ये चारों पांचों सीटें जो हमें ये बाई इलेक्शन हो रहा है, ये खुद आम आदमी पार्टी की देती, तो ये खर्चा भी सरकार पे पड़ेगा और ये खर्चा जनता पे भी पड़ेगा। ये एमएलए को शफल करके काउंसिलर बना देते, काउंसिल को शफल करके एमएलए बना। रही बात सुशील जी ने कुछ अच्छे अच्छे जोक बताए, मैं उन जोक का आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोहल्ला क्लिनिक को कहते हैं कि अमेरिका का आदमी आके यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक को देखकर बहुत बड़ा एग्जांपल बताता है। कोरोना काल के अंदर मोहल्ला क्लिनिक में मच्छर नहीं मारे, कोरोना काल जब आया बेड नहीं अरेंज हो पा रहे थे, हॉस्पिटलाइज नहीं अरेंज, इन्होंने होम आइसोलेशन को इन्वेंशन बता दिया। होम आइसोलेशन मजबूरी थी कि आपके पास हॉस्पिटल के बेड नहीं है, आपके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं, तो होम आइसोलेशन लोग घर बैठे थे। इन्होंने लोगों के घर बैठने को भी अपनी इन्वेंशन बता दी। ओ माय गॉड, केजरीवाल का आइडिया था? ये आइडिया नहीं था सर, ये आपकी इनकैपेबिलिटी थी, क्योंकि आप लोगों ने हॉस्पिटल्स नहीं डिजाइन की, आप लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक के छोटे छोटे डब्बे बनाए। अब उस डब्बे में ना तो आप इलाज कर सकते थे, ना पेशेंट को बैठा सकते थे, हाँ मार्केटिंग कर सकते थे, वो आपने बड़े अच्छे से कर। आप क्या करते हो ना, स्कूल में कमरा बनाया, एक स्कूल के कमरे को बड़े अच्छे से व्हाइट वॉश किया, फिर उसकी फोटो 100 जगह लगाई, मीडिया में मार्केटिंग करी, और ये काम बड़ा अच्छे से चल रहा है। मैं आप डिपार्टमेंट उठा के देख लीजिए, डीटीसी का डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है लॉसेस में, वाटर डिपार्टमेंट है, पानी का डिपार्टमेंट है, वो लॉसेस में। 31,000 करोड़ का पिछले 5 साल के अंदर पानी के डिपार्टमेंट को आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोन दिया है। वाटर डिपार्टमेंट को जो टोटल रेवेन्यू है वो मात्र 2800 करोड़ रुपए है साल का, जबकि इनको मिले हुए लोन का जो ब्याज का पैसा जो चुकाना होता है पानी के डिपार्टमेंट को, वो 3200 करोड़ का है। तो सोचो, रेवेन्यू इंटरेस्ट से भी कम है, तो समझ लीजिए डिपार्टमेंट कैसे चलाए जा रहे हैं। ये कहते हैं बिजली सस्ती करी, बिजली कंपनी तो उसी रेट पे बिजली बेच रही है, सब्सिडी पॉलिटिक्स इन्होंने वहां इन्वॉल्व कर दी। जो रेवेन्यू वैट पर ये वसूल करते हैं पेट्रोल में दिल्ली के अंदर, जो एक्साइज में ये शराब पर जो पैसा वसूल करते हैं, जो शराब के ठेके खोलने की इन्होंने लाइन लगा रही है, एक एक मॉल में आप जाके देखोगे 14-14 ठेके मिलेंगे, मोहल्लों में ठेके खोल दिए। हाँ, एक काम बढ़िया किया केजरीवाल जी ने, शराबियों के लिए बहुत बढ़िया काम किया, गली गली ठेका लो, आप आओ गली गली ठेका, गली गली शराब बांट,
उस चीज से इन्होंने रेवेन्यू कमाया, उस रेवेन्यू को जो सरकार की तरफ गया है उसी से सब्सिडी की पॉलिटिक्स खेल ली जी, हम आपको पानी फ्री दे देंगे, हम आपको बिजली फ्री दे देंगे। दिल्ली को तो इन्होंने ऐसे बता दिया कि जैसे दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी आई उससे पहले दिल्ली एक छोटा सा गांव हुआ करता था, इस गांव में ना कोई स्कूल था, ना इस गांव में कोई अस्पताल था, ना इस गांव में कोई रोड थी, ना इस गांव में कोई ट्रेन थी। मेट्रो का आविष्कार भी केजरीवाल जी ने किया है, हाईवे तो खुद सत्येंद्र जैन जी लेकर आए होंगे, उससे पहले हाईवे थोड़ी था, उससे बड़े कोई फ्लाईओवर नहीं था। दिल्ली इतनी खूबसूरती के साथ चल रहा था, जिसका क्रेडिट मैं खुद शीला दीक्षित को भी देता हूं, उन्होंने बहुत अच्छे से दिल्ली को गवर्न किया था और बहुत अच्छे से वो चला रही थी। लेकिन केजरीवाल सरकार के आने के बाद दिल्ली के रोडों की हालत बदतर है, आज हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की हालत बदतर है, डीटीसीज की बसेस और उनके लॉसेज अगर आप उठा के देखेंगे तो आपका दिमाग सन रह जाए। लेकिन एक चीज है, हाँ रोडें तोड़ दी, एक चीज के मास्टर है केजरीवाल जी, वो है मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग। सुशील गुप्ता जी को मैं ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि सुशील गुप्ता जी ने कुछ जमीनी राजनीति कभी देखी नहीं, मैंने तो सर इनका नाम तभी सुना था जब ये राज्यसभा से सांसद चुन गया है, इससे पहले मैं भी इनको नहीं जानता था, तो उनको मैं ब्लेम भी नहीं करूंगा क्योंकि उनको ग्राउंड पॉलिटिक्स नहीं पता है। अब वो आकर बैठ जाएंगे, किसी भी घोटाले का नाम ले देंगे, ना तो उनके पास कोई कागज होगा, ना उनके पास कोई फैक्ट होगा, ना कोई कैग रिपोर्ट होगी। जब सरकार में नहीं आई थी केजरीवाल सरकार तो हर आंदोलन में जाके क्या करते थे, वो एक आपने वीडियो देखा होगा, ताला तोड़कर मैं मोदी जी की फाइलें निकाल रहा हूं, मैं इसकी फाइलें निकाल रहा हूं। ना तो शीला दीक्षित पे कोई केस चला पाए, ना किसी कांग्रेस की गवर्नमेंट पे कोई केस चला पाए, जितने लोगों की फाइलें लेकर ये घूमते थे आज तक जीवन में इन्होंने किसी के खिलाफ केस नहीं लड़ा, सबसे इन्होंने हाथ मिला लिया। लालू को ये चोर बताते थे, लालू के साथ ही स्टेज पे खड़े हो गए। जिस जिस आदमी को केजरीवाल ने चोर बताया उसी आदमी के साथ सरकार बना के संगठन के करके सरकार भी बनाई, कांग्रेस को ये चोर बोलते थे, कांग्रेस के साथ दिल्ली में सरकार बनाई। अब जहां जहां आम आदमी पार्टी को भाजपा का विरोध करना वहां वहां जाके किसी के साथ भी शामिल होने को तैयार है। तो ना तो आम आदमी पार्टी की कोई इंटीग्रिटी है, ना कोई मॉरल वैल्यू है, ना कोई मॉरल कैरेक्टर है, और ना उनकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ये सिर्फ ऑपर्चुनिस्ट लोग हैं जो सिर्फ मौका ढूंढते हैं और ऑपर्चुनिज्म की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं जो डेडली हो चुकी है। केजरीवाल की सरकार की दो अचीवमेंट तो मैं बहुत बड़ी बता सकता हूं। एक अचीवमेंट थी जाफराबाद का दंगा, दिल्ली का दंगा, जिनमें खुद इनके जो काउंसिलर थे ताहिर हुसैन, उसने आग लगा के हिंदुओं के घर जलाने का काम किया। हाँ अगर अगर रेहान की डेथ होगी तो केजरीवाल जी चले जाएंगे, लेकिन अब रिंकू शर्मा के दिल्ली में हुए भाई साहब गए नहीं केजरीवाल जी, ना उनके लिए कोई पैसे की घोषणा, उनके लिए कोई सामान की घोषणा। क्योंकि बात आज अजय बात आज एमसीडी चुनाव की हो रही है, बहुत सारी बातें आपने भी कही, चलिए एक बात ऐसी आई है कि संजय गुप्ता जी को थोड़ी राहत मिली होगी। संजय जी, शीला दीक्षित जी का नाम हर कोई सम्मान के साथ लेता है, मानता भी है कि बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन ऐसे क्या कारण रहे कि जो शीला दीक्षित का एक एक ओरा था जो उन्होंने किया उसे कांग्रेस कैश करने में नाकाम रही और लगातार पिछड़ती जा रही है? क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती आज कांग्रेस के सामने है, ना तो वहां पे आपके आप किसी भी जगह घुसने की स्थिति में, अब ये जरूर ये जो पांच चुनाव हो रहे हैं इसके अंदर आप कितना अच्छा करेंगे तो आपको भी पता होगा, लेकिन ऐसे वो कौन से कारण रहे? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे चलते हैं, खुद शीला दीक्षित के लिए सब लोग कह रहे हैं अच्छा काम किया, फिर कांग्रेस किस राजनीति का अंदरूनी शिकार हो गई कि इतना कुछ होने के बाद भी आज खाली आते हैं? नहीं देखिए, ये मैं सर झुका के इस बात को स्वीकार करता हूं कि जरूर बहुत समय तक जब आप रहते हैं सत्ता के अंदर तो कुछ कमियां भी उसके अंदर उभर के आती हैं, या कुछ लोगों के अंदर भी ये विचार बनता है कि किसी नए आदमी को ट्राई करना चाहिए। मगर मैं बताना चाहता हूं, मुझे इस बात का दुख है कि दिल्ली के अंदर पिछले 6-7 सालों के अंदर, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, दोनों सरकारें या नगर निगम की भी बात कर लें, ये सारी सरकारें झूठ बोल करके बनी हैं। मैं बात करना चाहता हूं, आज हमने इतनी चर्चा करी मगर कोई मैनिफेस्टो पे बात करना नहीं चाहता, मुद्दों पे बात करना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र सहरावत साहब कह रहे थे, मैं पूछ लेना चाहता हूं, आपने कहा था 15 लाख, आपने कहा था रोजगार 2 करोड़, आपने कहा था दिल्ली के अंदर देखो चौके पर और दिल्ली के मुहाने पर कोने के ऊपर बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर किसान बैठा है, किस तरह से आप दिल्ली की आपने लेबर को कहा था कि 18,000 का दिल्ली के अंदर मिनिमम वेजेस होगा, दिल्ली के अंदर आपने हर वर्ग को जो वायदे किए, माइनॉरिटीज को बात कर ले, महिला सुरक्षा की बात कर ले, किस तरह से आप देख लीजिए जी, बिल्कुल वादे कुछ भी रहे नहीं, मैं उस पे आ रहा हूं, वोट क्यों नहीं खिसकता कांग्रेस में, वही आ रहा हूं कि हमने झूठ नहीं बोला। मैंने कहा ना कि उनका बिक गया सब सामान और हम एक सच को लेकर के बैठे रहे, तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने झूठ नहीं बोला, झूठे वादे नहीं किए, झूठे सपने नहीं दिखाए, केजरीवाल साहब ने झूठ बोला, बीजेपी ने, जो बात मैं सुन रहा था सहरावत साहब को भी, तो एक एक शब्द वो था कि जो जो सारा बीजेपी के ऊपर भी लागू होता है, वो सारी बातें जो
आप पार्टी पर कर रहे थे वो सारी की सारी बातें केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस की सरकारें रही, शीला दीक्षित के जो लोग हैं, जिन लोगों ने दिल्ली में विकास किया, झूठ नहीं बोला हमने, झूठ बोलने की राजनीति नहीं की, हमने फ्री देने की राजनीति नहीं की। अभी भाई साहब कह रहे थे कि वाईफाई पूरी गली गली में लग गया है, अरे भाई साहब आपने कितने लाख 15 लाख दिल्ली के अंदर सीसीटीवी लगाने की बात की थी, 1.5 लाख लगाए हो तो मैं चैलेंज कर रहा हूं। और कितना बड़ा भ्रष्टाचार आज आप पार्टी के समय पर और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में और दिल्ली नगर निगम में आज हो रहा है। ये दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, ना तो साफ वातावरण है, ना साफ पानी है, ना साफ यहाँ पर व्यापार करने का यहाँ पर माहौल है, छोटा जो रेडी पटरी वाला, क्या हालात है आज। देखिए बहुत सारी चीजें आप बता रहे हैं लेकिन मेरी बात का जवाब आप फिर भी गोलमोल कर गए। चलिए, क्योंकि राजनीति में कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बड़ी नेता थी शीला दीक्षित जी और वास्तव में उन्होंने काम किया, हर कोई उसकी सराहना भी करता है। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। किसी भी शहर के नगर निगम के चुनाव पहले राष्ट्रीय चर्चा के विषय नहीं बनते थे लेकिन अब स्थानीय चुनाव भी चर्चा के केंद्र में रहते हैं। बड़ी राजनीतिक पार्टियां हर स्तर पर चुनाव प्रचार अभियान में जुटती है लेकिन दिल्ली नगर निगम की उपचुनाव में 5 सीटों पर जिस तरह सियासी दलों ने ताकत झोंकी है वे देखने लायक है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 6 साल से सरकार है, ऐसे में उन उपचुनाव के नतीजों में कई बातों की थाली जाएगी। कहीं ना कहीं ये चुनाव बड़े खास हैं हमें, इसीलिए हमने कहा है कि ये सेमीफाइनल है। आज चर्चाएं खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद।